हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल वे टू टेक नॉलेज। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में स्विच केस के बारे में कि अभी स्विच केस क्या है, ठीक है, और स्विच केस से हम प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली जैसे हम जानते हैं कि स्विच केस जो है, स्विच जो नाम है उससे क्या होता है कि कोई भी चीज को स्विच करना, मतलब एक से दूसरे तरफ जाना है तब हम स्विच का यूज करते हैं। लाइक इफ एल्स कंडीशन में हमारे पास बहुत सारे कंडीशन होते हैं, तब हम इफ एल्स का यूज करते हैं, एल्स इफ का यूज करते हैं, ऐसे ऐसे जितने एल्स इफ, नेस्टेड एल्स इफ का यूज करना हम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक और भी ऑप्शन है कि हम लोग क्या, जब हमारे पास बहुत सारे सिचुएशन हो तब हम स्विच केस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हम देखने वाले हैं, राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक हाउ मेनी डेज आर देयर इन एंटर देयर आर इन एंटर मंथ बाय यूजिंग स्विच केस। अब हम कोई भी नंबर यहाँ पे इनपुट करेंगे, ठीक है, लाइक 1 to 12 months होते हैं, तो 12 में से हमने लाइक 3 month इनपुट किया है, तो 3 month में कितने डेज होते हैं, मतलब 31 days होते हैं, तो 31 days हमारे पास प्रिंट होके आएगा। फेब में हम जैसे देखते हैं तो 28 या 29 होता है, लीप ईयर होता है तो 29 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये शो होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को चलिए हम आगे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटीजर सी नाम का एक वेरिएबल हम यहाँ पे इनपुट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट एफ का यूज करेंगे। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के अंदर प्रेस प्रेस द नंबर ऑफ मंथ, कोई भी मंथ जो है वो आपको इनपुट करना है यहाँ पे, स्लैश है। उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे कि सी की जो वैल्यू है वो इनपुट करो, तो प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ सी। तो सी की वैल्यू अभी हम अब यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी में जो भी वैल्यू आ रही है तो उसे हमें गेट भी तो करना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे स्कैन एफ का यूज करेंगे उसके लिए। तो स्कैन एफ परसेंट डी, सॉरी परसेंट डी, और उसमें हम एड्रेस ऑफ सी को पास कर देंगे। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्विच सी को हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब हमें यहाँ पे केस का यूज करना है, केस 1 केस 2, जितने भी हमारे पास मंथ है उतने मंथ में हम केस को प्रिंट कराएंगे, लाइक केस 1 केस 2 केस 3 केस 12 तक हमें इसको प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे, यहाँ पे केस 1 लिखा, और उसके अंदर हम अब यहाँ पे प्रिंट एफ दे देंगे। प्रिंट एफ के अंदर हम एक मैसेज पास करेंगे, लाइक 31 days, की जनवरी जो है नंबर 1 मंथ है उसमें कितने डेज होते हैं, तो 31। उसके बाद तो कोई भी केस अगर आप यूज करें उसके बाद आपको उसको ब्रेक लगा देना है। देन केस 2, उसके बाद अगेन प्रिंट एफ। अब फेब्रुआरी में कितने डेज होते थे, लाइक 28 days हम लिखते हैं अभी यहाँ पे, 28 days, और उसको हमें फिर से यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक लगा देना है। चलिए अब इसी चीज को हम कॉपी कर लेते हैं, सॉरी कॉपी किया, और इसी को हम यहाँ पे अब पेस्ट करेंगे। ओके अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हम यहाँ पे अब चेंजेस कर देंगे, जिस जो भी मंथ हमें चेंजेस करना है वो। तो केस 1 केस 2, ये हमारा केस 3 हो गया, केस 3 में हम 31 days ही रखेंगे। केस 4 जो है वहां पे हम रख देते हैं 30 days। केस 5 जो है, 5 नंबर का मंथ कौन सा है तो उसमें कितने डेज होते हैं वो हमें लिखना है। यहाँ पे केस 6, 6 में कितने डेज है वो हमें लिखना है। तो बेसिकली 30 और 31 होते हैं, खाली फेब को छोड़ के बाकी सारे के सारे मोस्टली सेम ही होते हैं। तो 7 में हमें कितना इनपुट करना है, 31। अब 8 नंबर 8 में कितने डेज होते हैं तो हमें भी 30 होते हैं, 8 में 30। देन 9, 30, 10, 31। ओके, और भी हमें यहाँ पे प्रिंट कराने की जरूरत है, केस 1 और 2। यहाँ पे हम लिख देंगे 11 एंड यहाँ पे हमारा ये 12। अब 11 में कितने मंथ होते हैं, कितने डेज होते हैं, तो 11 मंथ जो है उसमें 30 days होते हैं, और 12 में 31। तो चलिए ये हमारा केस अब रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अगर
अगर कोई यूजर आ रहा है, अब वो 1 से 12 महीने तक के कोई भी नंबर इनपुट नहीं करता है, वो कोई रॉन्ग वैल्यू इनपुट करता है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक डिफॉल्ट मैसेज पास कराएंगे। मतलब वो क्या होता है ना कि अब हर लोग जो है वो हर चीज मैसेज मैसेज जो है रीड नहीं करते, ठीक है। 100 में से 80% लोग जो है वो मैसेज रीड करते हैं, बाकी के सारे इग्नोर करते हैं। उसी तरीके से जब हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो यूजर फ्रेंडली बनाते हैं ना, कि किसी को भी इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो मान लीजिए कोई 1 to 12 month जो है हमारा, उसमें वो नंबर में से कोई भी नंबर इनपुट नहीं करता और वो 50 नंबर इनपुट करता है, तो उसको आउटपुट नहीं मिलेगा, उसके पास एक मैसेज जाएगा, द मंथ इज इनवैलिड। इस टाइप का मैसेज हम उसको पास करके दे देंगे, तो वो क्या करेगा, वो फिर से जाएगा और फिर से वो राइट जो हमारा मंथ नंबर है वो इनपुट करके आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे देना है। तो हम जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल 00 एरर्स हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे वार्निंग और एरर 00 है। अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के बाद यहाँ पे देखिए, प्रेस द नंबर ऑफ मंथ इस तरीके से आएगा, देन एंटर द वैल्यू ऑफ सी। अब सी के अंदर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 15 नंबर, बट हमारे केस कितने हैं, केस जो है 12 ही है, 15 नहीं है। तो ये हमने 15 नंबर, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास मैसेज आना चाहिए जो डिफॉल्ट में हमने दिया अभी के अभी, द मंथ इज इनवैलिड। ये देखिए, यहाँ पे ये मैसेज आ गया, द मंथ इज इनवैलिड। अब सपोज मुझे यहाँ पे 3 नंबर का वैल्यू इनपुट कराना है, कि 3 नंबर जो है मार्च में कितने डेज होते हैं। मार्च में कितने डेज होते हैं, चलिए अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। मैंने किया केस स्ट्रीम, मार्च में कितने डेज होते हैं, तो 31 डेज होते हैं, तो हमारे पास आउटपुट में 31 डेज आना चाहिए। तो ये देखिए आगे 31 डेज। अब मान लीजिए कि हमें करना है कि फेब में कितने डेज होते हैं, तो भी हम इनपुट करा सकते हैं डायरेक्टली। ये देखिए, अगर हम 2 नंबर इनपुट कर रहे हैं तो 2 नंबर में कितने होते हैं डेज, तो 28, तो 28 आ जाना चाहिए। ये देखिए, ये फेब में, मतलब कि फेब में कितने डेज होते हैं, 20 डेज। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारे पास ये सारे के सारे आउटपुट आ जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।